प्रदेश में व्यापारियों पर चल रही जीएसटी के छापेमारी पर सरकार ने 72 घंटे की रोक लगा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा लगातार व्यापारियों के दुकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कि पूरे प्रदेश भर के व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था, जिसको देखते हुए गोरखपुर जनपद की दुकानें 3 दिनों से बंद नजर आई। लेकिन रविवार को व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को बताया, जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि छापेमारी की कार्रवाई को 72 घंटे के लिए रोक दी जा रही है, जिसके बाद सभी व्यापारियों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे ने बताया कि यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। अचानक छापेमारी से व्यापारी थोड़े से डर गए थे, लेकिन भयभीत होने की कोई बात नहीं थी। यह इंटेलिजेंस बेस की जांच थी, जिसकी सूचना शासन से जीएसटी के अधिकारियों को मिली थी। 4 महीने पहले अधिकारियों ने कैंप लगाया था और सभी व्यापारियों से निवेदन किया था कि वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और समय समय पर टैक्स भरते रहें, और जिनका टैक्स नहीं जमा हुआ है वह अपना टैक्स जमा कर दें। 40 लाख के नीचे तक का व्यापार करने पर किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया गया है। पहले व्यापारियों ने समाधान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन उसके बाद कोई टैक्स नहीं भरा गया। इसमें कुछ बड़े व्यापारी भी हैं, जिसकी वजह से यह दिक्कत आई। सरकार ने भी अच्छा प्रयास किया है और व्यापारियों को 3 दिन का अपना हिसाब किताब सही करने का समय दिया है। वहीं इस संबंध में बलदेव प्लाजा के व्यापारियों ने कहा कि यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब दुकानदारों को भी चाहिए कि वह दुकान को खोले और दुकान बंद करके ना भागे और अपने पेपर को सही कर ले। यदि कोई अधिकारी आता है तो अपने हिसाब किताब को दिखाएं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी तरह की दिक्कत होगी तो व्यापार मंडल और सरकार हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्रनाथ दुबे, मोबाइल व्यापारी संजय जायसवाल, मनीष नागलिया, मिक्की और ग्राहक शिवम पांडे ने कहा। संजय जायसवाल, ये तो सरकार का बड़ा सराहनीय कदम रहा, ताकि कुछ व्यापारी जिनका कागज़ पत्तर स्टॉक मेंटेन वगैरह नहीं था, वो कम से कम 72 घंटे की छूट मिले, इसमें सही कर लें और सही करके अपनी दुकानें खोलें। और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है कि पूरे प्रदेश में जो है इस तरह का रोक लगा दिया गया 72 घंटे का, और इससे ये व्यापारी बहुत स्वागत कर रहा है इस सराहनीय कार्य का। सरकार ने यह भी कहा कि अपने हाँ नहीं ठीक है, जैसे क्या होता है कि अचानक छापेमारी से अपना दुकानदार बिल नहीं प्रस्तुत कर पाता है, अपना स्टॉक नहीं सही कर पाता है, तो कम से कम 72 घंटे के जो दरमियान जो छूट मिली है, इसमें अपने सारे कागज़ पत्र सही कर लेगा और अगले 72 घंटे के बाद वो पूरी तैयारी के साथ बैठेगा और छापेमारी का डटकर मुकाबला करेगा और अपनी दुकानदारी करेगा। मनीष नांगलिया, 72 घंटे नहीं नहीं सरकार का ये बहुत ही सराहनीय काम है, और अब दुकानदारों को भी चाहिए कि दुकान बंद करके भागने से कोई मतलब नहीं है, अपना पेपर वगैरह सही स्टॉक सही कर लें और दुकान निडर होके खोलें। कोई भी अधिकारी आता है तो अपना पेपर दिखावें उसको, बाकी कोई दिक्कत होगी तो व्यापार मंडल और बाकी सब लोग हैं, लेकिन आप पहले अपना सारा पेपर स्टॉक सब कुछ मेंटेन रखें। जब चोर नहीं है तो डर किस चीज़ का है आपको? सरकार ने भी कहा कि अपने पेपर को नहीं उन लोग का ये कदम तो 72 घंटे वाला बहुत सराहनीय रहा कि लोगों को समय मिल जाएगा और अपना पेपर वगैरह सब सही कर लेंगे। अब किसी दिक्कत नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, रूमर है कि यहाँ वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। मिक्की, सरकार ने जीएसटी छापेमारी पर 72 घंटे, हमारे जो प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही संपूर्ण बहुत ही अच्छा लिया है, और लोगों को जो भी चीज़ कागज़ वागज सही करना है, सारी चीज़ें करना है, वो तत्काल नींद से सही कर लेंगे, और जो भी अधिकारी जो दोबारा उनके पास आएंगे उनके पूर्ण रूप से उनके पास सारे कागज़ होंगे जो उनको सारी चीज़ें दिखा पाएंगे, और किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। माननीय योगी जी इस चीज़ के लिए समर्थन भी किए हैं कि हमारे जो गोरखपुर के जितने दुकानदार हैं
वो इस चीज़ों को कागज़ सही करके उनको जो भी अधिकारियाँ हैं उनको दिखा दें, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम पांडे है। सरकार ने 72 घंटे के लिए छापेमारी पर रोक लगा दी, कैसा देख पाएंगे? सर ये रोक जो लगा है तो बहुत ही बेहतरीन है, आप लोगों की रिलीफ के लिए लगा है। बड़ा अच्छा हो गया कि लोग अपना अपना कागज़ जो है वो सही करवा लें और आर लोगों जो और ग्राहक जो हों उनको परेशानी ना हो। हम लोग 3 दिन से ऐसे परेशान हो रहे हैं, कुछ सामान लेने आ रहा है नहीं हो पा रहा है, तो ये अगर राहत जो टाइम मिला है इस पीरियड में अपना सारा कागज़ ओके करवा लें, बाकी चीज़ें फ्यूचर में इस तरह से असुविधाएँ ना हो और लोगों को इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। ये अच्छा कदम है, चूंकि व्यापारी थोड़े से भयभीत हो गए थे, जबकि भयभीत होने वाली कोई बात नहीं थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ये जांच थी, जिसकी सूचना थी ऊपर से सूचना थी उसी की ये जांच हुई है। 4 महीने पहले अधिकारी कैंप भी लगाए थे और अधिकारियों ने निवेदन भी किया था कि मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन करा लें जिनका नहीं हुआ है, और जिनका टैक्स नहीं जमा है वो टैक्स जमा करें। क्या हुआ है कि कुछ लोग जैसे 40 लाख के नीचे तो कोई परेशानी नहीं है, 40 लाख के ऊपर समाधान योजना में आते हैं, 1% उनको देना पड़ता है। उन लोगों ने उस समय तो जब GST आई तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन आज 1-2 साल हो गए कभी उन्होंने कुछ टैक्स दिया ही नहीं, टैक्स वसूला तो लेकिन दिया नहीं। कुछ लोग बड़े पैमाने पर काम किए, 1-2 लोग, उन लोगों का भी वैसे टैक्स नहीं जमा हुआ है। तो व्यापारी भयभीत ना हो और जो सरकार का टैक्स है वो टैक्स हम वसूल रहे हैं तो दें। अगर एक भी हमको अभी तक सूचना नहीं मिली कि किसी के यहाँ छापेमारी हुई हो और वो अनलगल छापेमारी हुई हो, किसी के यहाँ छापेमारी हुई हो उसके साथ जबरदस्ती हुई हो, जोर जबरदस्ती हुई है, अगर कोई हुआ है हमको बताए, अन्य व्यापारिक संगठनों को बताए, चूंकि अधिकारियों से बात कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड जाँच है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम व्यापारियों के मुखिया हैं, सदैव हम व्यापारियों के साथ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि व्यापारियों की कोई दिक्कत हो, वो सदैव हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं। उनसे भी वार्ता हुई, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने टैक्स लिया है टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, या जिन लोगों की सेल है और वो पंजीकरण नहीं करा रहे हैं उनके लिए यह जाँच है, बल्कि उन्होंने जाँच का ये पंजीकरण का लाभ भी बताया कि अगर आप पंजीकरण मात्र करा लेते हैं तो पंजीकरण कराने से अगर आपको कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा और वो भी 1 महीने के अंदर मिलेगा। यह स्वच्छ सरकार है। तो मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहूँगा, कतई कोई दुकान न बंद करे, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, यदि किसी को कोई परेशानी होती है वो मुझे कॉल करें, अन्य व्यापारिक संगठनों को कॉल करें, किसी का कोई भी उत्पीड़न इस सरकार में नहीं होगा।